नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में जिसका नाम है मुख्यमंत्री। कभी स्थिर सरकार तो कभी विकास, कभी गुजरे कल की कड़वी यादें तो कभी आने वाले कल की सुनहरी बातें, कभी जातिवाद तो कभी परिवारवाद। हर चुनाव एक नया मुद्दा, एक नई लहर लेकर आता है। हर चुनाव में जहां एक तरफ जनता के मन में राज्य के प्रति नए सपने सजते हैं, तो वहीं नेता भी जनता का दिल जीतकर सत्ता तक पहुंचने के नए रास्ते बना ही लेते हैं। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में हुई इसी हलचल से जुड़ा है हमारा इस शो, जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की बिसात पर फेंके हुए पासों की, यहां के नेताओं के कामों की और पर्दे के पीछे चली हुई राजनीतिक चालों की। इसकी पिछली कड़ी में आपने देखा 1996 के बाद चौधरी बंसीलाल एक बार फिर हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य में वापस आ गए। उनकी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी ने पहले भाजपा फिर कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि हरियाणा विकास पार्टी से सिर्फ जनता का ही नहीं बल्कि उससे जुड़े नेताओं का भी मोह भंग हो गया। नतीजा, एक तरफ चौधरी बंसीलाल का सितारा डूबने लगा और दूसरी तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सूरज बनकर चमकने लगे। और ऐसे में सन 2000 में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दी। सुनाव होया यो मध्यवर्ती जबे होगी मन की चाही, जन सेवक बन गया मुख्यमंत्री, सबकी करी भलाई। सन 2000 में जब चुनाव हुए तो पहले से ही इंडियन नेशनल लोकदल की जीत तय मानी जा रही थी। पार्टी के नेता ओम प्रकाश चौटाला अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि इस बार उन्होंने भाजपा को भी अंगूठा दिखा दिया। 5 साल पहले भाजपा के नेताओं ने उन्हें छोड़कर चौधरी बंसीलाल से हाथ मिलाया था। इस बार उन्होंने पिछला हिसाब किताब बराबर कर लिया था। खैर, हुआ वही जिसका ओम प्रकाश चौटाला को विश्वास था। उनकी सरकार तो बनी लेकिन उसे बहुमत से सिर्फ 2 सीट ही ज्यादा मिली। अब जिस राज्य में दो तिहाई बहुमत होने के बाद भी रातों रात सरकार का तख्ता पलट जाना आम बात हो, विरोधियों में चौधरी भजन लाल जैसे राजनीति के मास्टर मौजूद हों, जहां आया राम गया राम की कहावत का जन्म हुआ हो, अब उस राज्य में ओम प्रकाश चौटाला के लिए सिर्फ 47 विधायकों के साथ पूरे 5 साल सरकार चलाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। और उनके कुर्सी संभालते ही हरियाणा की राजनीति के शतरंज पर पासे फेंके जाने लगे। अभी सरकार को बने कुछ ही वक्त गुजरा था कि पार्टी के एक बड़े नेता ने सरकार बदलने की कवायद शुरू कर दी। तुम्हारी सरकार के बारे में क्या राय है? सरकार तो ठीक है, पर आप सरकार में होते तो अपनी जात वालों के लिए बहुत बढ़िया हो जाता। अपनी भी सरकार होगी, अब हम सरकार में शामिल नहीं होंगे बल्कि लोग हमारी सरकार में शामिल होंगे। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर पता नहीं सच किस दिन होगी। मैं बकवास करता हुआ नजर आ रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, अगर आप कह रहे हो तो आपने कुछ सोच भी रखा होगा ना? सोचा ही नहीं हुआ बल्कि कर भी रखा है। क्या? अब तू IG से DIG बनने के लिए तैयार हो जा। जी मतलब? देख, तू अपनी जात वाला है इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मतलब ही नहीं, जिसमें आपका नुकसान हो मैं वो काम करूंगा क्या? कर भी नहीं सकेगा, सोचा भी तो अपनी बिरादरी में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो रहने दीजिए, बस आप आदेश दीजिए मुझे करना क्या है। देख, आदेश सिर्फ इतना ही है कि चौटाला की सरकार से कई विधायक खुश नहीं है, ये बात तुझे बेरा है ना?
जी पता है, मतलब जितना सुना है। सुना नहीं है, सच है। यो सरकार अब ज्यादा दिन ना चलेगी। 17 विधायक मेरे साथ हैं। और एक बात, अगर तुझे इनकी सीआईडी करने का कोई आदेश आए तो तुम्हें वो काम नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई विधायक हमारे गेल आ सकता है तो बस उसका नाम हमें बता देना, बाकी का काम मैं खुद ब खुद कर लूंगा। मुख्यमंत्री तो आप ही बनोगे ना? अरे तू छोड़ ना उसे, तू डीजी बन जाएगा, जल्दी से उसकी ड्रेस सिलवा ले। अब आप अपने लोगों के लिए कुछ गलत थोड़ी ना सोचोगे। हमें तो बस उन 17 विधायकों के नाम बता दीजिए जिनकी मुझे रिपोर्ट भेजनी है। कल कोठी पे आ जाना जी, वहीं मिल लेना और उन्हें जान भी लेना, लेकिन ये बात अपने तक ही रखना। हम इस नेता का नाम इसलिए उजागर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तथ्यों की थोड़ी कमी है, और दूसरे ये नेता आज हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस नेता की योजना में बड़ा दम था। उसे विपक्षी पार्टियों का भी पूरा साथ हासिल था, लेकिन या तो इस नेता की किस्मत खराब थी या फिर ओम प्रकाश चौटाला की किस्मत ज्यादा अच्छी थी। सीआईडी के जिस आईजी को उन्होंने अपना समझकर सारी योजना बताई थी, उस आईजी ने इस योजना की पूरी खबर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को दे दी। हाँ भाई, अरे क्या हो गया अब? सर, बात तो सिर्फ आपसे ही करनी है। अरे तो भाई बोलो ना, ये भी अपने ही लोग हैं। भाई मेरी समझ में यो नहीं आता कि तुम सीआईडी आले इतना डरते क्यों हो? जब सरकार बेखौफ होके काम करे तो कुछ जिम्मेदारी तो हमारी भी बन जाएगी ना। अरे भाई, ये तेरी इशारेबाजी मारी समझ में नहीं आ रही। अरे जो कुछ भी बोलना है खुल का बोल दो। सर, आपके खिलाफ आप ही का एक नेता कुछ विधायकों को इकट्ठा कर रहा है। अच्छा। भाई इकट्ठा करके क्या कर लेगा? मारी सरकार गिरा देगा। और सरकार तो अपनी बिना बना सकेगा, पर तैयारी तो उसकी पूरी है। अरे तू नाम बोल भाई। आपका ही कोई खास है, शायद आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो, लेकिन ये बात सच है। भाई वो हम सब जांच परख कर लेंगे, बस तू मना उन सबका नाम बता दे एक बार, फिर देख। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपनी और अपने पिता की पिछली सरकार का हाल देख चुके थे, जिनमें से कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्हें विद्रोह होने से पहले ही इसकी खबर मिल गई। उन्होंने इन विधायकों के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, और आगे भी ऐसा दोबारा ना हो इसलिए अपने समर्थकों को विधायकों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दे दी। अब इससे कई बार समर्थकों का विधायकों से टकराव भी हुआ और कई विधायक ओम प्रकाश चौटाला से नाराज भी हुए, लेकिन भविष्य में उनकी सरकार के खिलाफ फिर कोई ऐसी योजना नहीं बनी। वैसे भी इस बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला किसी भी तरह का निर्णय लेने के लिए आजाद थे। अभी तक वो पार्टी में अपने सभी विरोधियों को साइड कर चुके थे। इसके अलावा उनकी पार्टी पर वंशवाद का जो आरोप लगा करता था, हरियाणा के लगभग हर बड़े नेता की अगली जनरेशन के राजनीति में आ जाने से ये आरोप भी धुंधला पड़ गया। साथ ही अब उनके बेटे अजय चौटाला और अभय चौटाला भी राजनीति में उनका साथ दे रहे थे, जिसकी वजह से अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने कोई मुश्किल चुनौती नहीं थी। चुनौती थी तो पिछली सरकार की शराबबंदी नीति से राज्य को हुए जबरदस्त आर्थिक नुकसान की वजह से सरकार की खाली तिजोरियों को भरने की। चुनौती मुश्किल थी, और उनकी सरकार के पास ऐसे नेता ही नहीं थे जिन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव रहा हो। खैर, ओम प्रकाश चौटाला ने सिर्फ 8 मंत्रियों की छोटी सी कैबिनेट बनाई और काम शुरू कर दिया। ये हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की अभी तक की सबसे छोटी कैबिनेट है। वैसे उनके विरोधियों की माने तो ये रिकॉर्ड असल में और भी बेहतर था। उनके अनुसार उन दिनों की हरियाणा सरकार में सिर्फ 1 मंत्री था, बाकी सभी संतरी थे। उनकी तलखी का कारण था ओम प्रकाश चौटाला की सख्ती।
भले ही ओम प्रकाश चौटाला अपनी शक्ति की वजह से बदनाम थे, लेकिन इसी वजह से उनकी सरकार 5 साल पूरे कर पाई और यही बात ओम प्रकाश चौटाला को चौधरी देवीलाल से अलग करती है। चौधरी देवीलाल जब जब सत्ता में आए उनकी सरकार अपना कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जबकि ओम प्रकाश चौटाला के पास इस समय बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा विधायक थे और चाले तो उनकी सरकार को गिराने की भी चली गई। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने न सिर्फ अपनी मात को शह में बदल दिया बल्कि उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं को सबक भी सिखा दिया और उसका खूब प्रचार भी किया, जिसकी वजह से उनका बाकी कार्यकाल बिना किसी खास परेशानी के गुजर गया। लेकिन हरियाणा की राजनीति में भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी सरकार पर मुश्किलों के काले बादल न छाए हों? फर्क इतना ही है कि इनमें से कुछ मुसीबतें विरोधियों की दी होती हैं तो कुछ अपनों की, और कुछ मुसीबतें तो अपनी गलतियों की वजह से भी आती हैं। खैर, गलतियां भी उन्हीं से होती हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब ओम प्रकाश चौटाला ने कुर्सी पर बैठने के बाद क्या करने की कोशिश की, उनका क्या परिणाम निकला, हरियाणा पर उनका क्या असर हुआ, ऐसी बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन बस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल की। ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ ही दिनों में उन पर आरोपों की बरसात शुरू हो गई। इन आरोपों की चर्चा भले ही खबरों में ना के बराबर थी, लेकिन लोगों की जुबान पर खूब थी। अब ये बातें सच थी या अफवाह, आज की तारीख में इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन वहीं उन्होंने ग्रामीण जनता के लिए कई नई योजनाएं भी लागू की। जैसे उन्होंने पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर जनता दरबार लगाए, अपने पिता की तरह खास तौर पर मजदूरों, किसानों और पिछड़ी जातियों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, उनके लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की, उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया। और इस बात को उनकी तारीफ कहें या शिकायत कि प्रशासन में कोई भी ओम प्रकाश चौटाला के दिए मौखिक आदेशों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर आ गया तू यहां? अरे कितनी बार मना किया है, ये काम यहां नहीं हो सकता। नहीं समझ में आ रही आपको? जनाब, मैं कल चौटाला साहब के जनता दरबार में गया था और उन्होंने कहा था इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अरे तो चौटाला साहब के ऑफिस से ही करा लेते ना इस काम को, यहां क्यों टक्कर मार रहा है? उन्होंने फोन करवाया था आपको, आपने ही फोन नहीं उठाया, और कल उन्होंने बोला कि आज जा करके अपना काम करा लो, सब काम हो जाएगा। पहली बात तो ये कि उनके ऑफिस से मेरे पास में कोई फोन नहीं आया, और दूसरी बात अगर फोन आया भी ना तो ये काम यहाँ नहीं होगा। क्या समझता है, चौटाला साहब का नाम लेगा तो मेरी हवा खुश्क हो जाएगी, मेरी घंटियां बजने लग जाएंगी? हैं? हेलो, मैं चौटाला बोल रहा हूँ। जी साहब, वो रूल है ना। योर रूल वूल मना मत सिखा, तुम लोगों ना जनता को परेशान करने खातर जो ये नए नए रूल बना रखे हैं ना, सब समझ में आवा हमने? ठीक है सर, अब ठीक है, मैं ये कर दिया साहब, आप पूछ लीजिए। ना मना जरूरत ना है, और एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे कण है, समझा? जी साहब जी। ये ना तो खुद खाते और ना खाने देते। आपका काम हो गया ना, अब जाओ ना, यहां क्यों खड़े हुए हो? मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, तेरे पैरों पे थोड़ी ना खड़ा हूं। अरे भाई, तू इन पैरों पे कब तक खड़ा रहेगा, इनके खड़े हुओं का इस्तेमाल भी कर, थोड़ा बाहर जा ताकि दूसरा काम तो कर लूं मैं। तो कर, मैं कौन सा तेरे सर पे नाच रहा हूँ? अरे अगर नाचने का ही शौक है तो बाहर जाके नाचे ना, मेरे दफ्तर को तो बगज दे, यहाँ क्यों नाच रहा है? ये तेरा दफ्तर ना है, ये सरकारी दफ्तर है, और इब तो सरकार बीमारी है। तो फिर खड़ा क्यों है, बैठ जा, लेट जा यहाँ पे, कहे तो हुक्का मंगाऊं तेरे लिए, मैं चला जाऊं यहाँ से। अफसरशाही, मतलब
डरती है, कांपती है। पता चल जाता है अगर ये काम ना हुआ, टाइम सिर ना हुआ और समयबद्ध ना हुआ तो चौटाला साहब माफ़ नहीं करेंगे, पता नहीं क्या कर दे जो कुछ भी है। ये बड़ी खूबी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में। कुछ ही सालों में हरियाणा का तेजी से विकास हुआ। राज्य में सड़कों का जाल बिछ गया। बिजली उत्पादन में भी राज्य ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंचकुला और गुड़गांव जैसे शहर दुनिया के नक्शे पर पहचाने जाने लगे। कई मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए हरियाणा उनकी पहली पसंद बन गया। राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ। कृषि के क्षेत्र में भी राज्य ने कई रिकॉर्ड बनाए। एक तरफ गुड़गांव ने देश की मिलेनियम सिटी कहलाने का गौरव हासिल किया, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के गांवों का भी विकास हुआ। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर के सिलसिले में सालों से हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच तनातनी चली आ रही थी। राजीव लोंगोवाल समझौते में भी केंद्र सरकार ने हरियाणा के हितों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया था। आखिर वर्षों के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब हरियाणा के हक में फैसला सुनाया तो उन दिनों भी ओम प्रकाश चौटाला ही मुख्यमंत्री थे। सतलुज यमुना लिंक नहर का केस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में हरियाणा प्रदेश ने जीता और केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप बनाएं। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं, चाहे भले इस सरकार ने तो 9 साल से ठंडे बस्ते में रख दिया, पर उस वक्त में हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिवाली मनाई थी और प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे फरीदाबाद है, चाहे आपका ये इलाका गन्नौर तक का, चाहे सोनीपत है, बहादुरगढ़ है, उनकी नीति की वजह से आगे आए। गुड़गांव वासियों से कभी पूछ लीजिएगा यहाँ क्या था, कुछ भी नहीं था। जयपुर हाईवे सिंगल था, लोग रात को 6 बजे के बाद जाते हुए डरा करते थे। आज जो मल्टीनेशनल कंपनी और गुड़गांव NCR में लाकर इतना बड़ा निर्माण किया है, गुड़गांव को एक खूबसूरत शहर और एक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के ऊपर लाने में सिवाय ओम प्रकाश चौटाला के किसी का हाथ नहीं। उनको अपनी चिंता कम रहती थी, उनको प्रदेश के लोगों की चिंता हमेशा ज़्यादा रही। उनके वक़्त में नहरों में पानी भी ज़्यादा चला, उनके वक़्त में प्रदेश के लोगों को बिजली भी ज़्यादा मिली, उनके वक़्त में हरियाणा प्रदेश के खजाने में पैसा ज़्यादा आया। भले ही ओम प्रकाश चौटाला के राज में हरियाणा ने उसी तेजी से अपना विकास होते देखा जिस विकास के लिए चौधरी बंसी लाल को हरियाणा के विकास पुरुष का दर्जा मिला था, लेकिन हरियाणा के इस विकास पुरुष का भी वही हश्र हुआ जो कभी चौधरी बंसी लाल का हुआ था। लेकिन इस बार कारण एक नहीं, कई थे। विकास और हरियाणा की ग्रामीण जनता में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के बावजूद अगले चुनावों में इंडियन नेशनल लोकदल की मुट्ठी से जीत क्यों फिसल गई, इन सब कारणों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश चौटाला के राज में बदलते हरियाणा की। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के विकास में लग गए, लेकिन अपनी पार्टी और बाकी के नेताओं को भूल गए, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता तो बढ़ती रही लेकिन उनके विधायकों से जनता दूर होती गई। इसके बार मेरा भी वोट बन गया, अब की बार तो मैं भी वोट करूंगी। मैंने तो अपना वोट पिछली बार भी चौटाला को ही दिया था, पर इस बार भी चौटाला को ही वोट दूंगा। अरे भाई, चौटाला को तो सभी वोट देना चाहवे, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उनके विधायकों को कोई भी वोट देना ना चाहवे। यो भी ठीक से, उनके विधायकों को क्यों चुने जब उसने की भी कोई काम किया ही ना, सारा काम तो चौटाला खुद कर रहे। पर सरकार तो तभी बनेगी ना जब उसके सारे विधायक जीत के आवेंगे। वो तो मन्ने बेरन है, चौटाला ने तो मैं भी वोट करना चाहूं, पर उसके इस MLA को मैं वोट नहीं करूंगी। ओम प्रकाश चौटाला के राज में हरियाणा का विकास होता रहा, लेकिन प्रशासन पर उनकी सख्ती और बिना जनता को विश्वास में लिए उनके कई कठोर फैसलों की वजह से जनता में उनकी स्थिति तेजी से नीचे गिरती चली गई। किसानों के कर्ज माफ होंगे कैसे,
बैंकों के पास देने के लिए पैसे तो हों। अरे तो लोन ले लो भाई। उसकी अब गुंजाइश कहाँ बची है? सरकार तो पहले से ही कर्ज में दबी हुई है। भले ही शराब बुरी चीज है, लेकिन उससे मिले टैक्स से जनता की भलाई के कई काम हो जाते हैं। राज्य में कई वर्षों तक शराबबंदी रही है, जिसकी वजह से सरकार को कई सौ करोड़ों का टैक्स का घाटा हुआ है। भाई तो इस हिसाब से तो गुजरात की हालत तो और भी खराब होनी चाहिए थी। वहां तो आजादी का बाद से ही शराबबंदी चल रही है। चौधरी साहब, हरियाणा की अर्थव्यवस्था गुजरात की अर्थव्यवस्था से बहुत अलग है। वहां की सरकार ने और भी तो कई तरह के टैक्स लगा रखे हैं। तो एक काम करो, हमारे राज्य में भी कुछ और अलग किस्म का टैक्स लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया तो यहाँ की जनता एकदम भड़क जाएगी। अरे क्यों भड़क जाएगी भाई? अरे भाई, जब इन नए टैक्सेस की वजह से हम नई योजनाएं जनता की भलाई के लिए लागू करेंगे तो ये बात जनता को अपना आप समझ में आ जाएगी। और वैसे भी भाई, हमारे राज्य में इस टाइम सूखा पड़ रहा है, और ऐसे में अपना किसान भाइयों की मदद हमारी सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? है? तो केंद्र सरकार से मदद मांग लेते हैं। अरे छोड़ो भी, अभी हरियाणा इतना कमजोर नहीं हुआ है कि हरियाणा की सरकार दूसरों के आगे हाथ फैला कर मदद मांगना जाएगी। हरियाणा ने दुनिया को देना सीखा है, मांगना नहीं सीखा। चौटाला साहब के राज में भी बजट बहुत छोटा था, पर उन्होंने जिस प्रकार से देश में चल रहा था कि वैल्यू एडिड टैक्स सम्मान लगाया जाए, सबसे पहल करके वेट की वजह से, कि आज हरियाणा प्रदेश में वेट की वजह से सब कुछ हुआ है। लोगों ने कहा वेट हटा दो, बोला नहीं, हम अपने वोट के लिए फाइनेंशियल नुकसान नहीं करेंगे स्टेट को। वेट लगाने की वजह से बदनामी तो उनके को लगी, उनके खिलाफ प्रचार तो हुआ, पर प्रदेश को अगर कोई सबसे ज़्यादा पैसा मिला तो वेट से मिला। और देश के वित्त मंत्री ने भी ये प्रशंसा की थी कि ओम प्रकाश चौटाला की एक ऐसी सरकार है जिसने सबसे पहले वेट को लागू किया। इन दिनों हरियाणा ने कई बदलाव देखे। हरियाणा तो बदलता रहा, लेकिन ना इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल बदला और ना इसकी क्षेत्रीय पार्टी की पहचान बदल पाई। इन सालों में हरियाणा के शहरों में शहरी आबादी तेजी से बढ़ी। इसके अलावा इन दिनों केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी। इन सब वजहों से भाजपा ने हरियाणा के शहरों में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। ओम प्रकाश चौटाला को भी समझ में आ गया था कि भविष्य में भाजपा से गठबंधन करके चुनाव के मैदान में जाने से ही उसे फायदा हो सकता है। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इस बार अंगूठा दिखाने की बारी भाजपा की थी। सन 2000 में ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा से गठबंधन ना करने का फैसला किया था, अब भाजपा ने उन्हें ना कर दिया। इसके अलावा इनेलो केंद्र के एनडीए गठबंधन में भी साझेदार तो था, लेकिन इस दौरान जिस तरह ओम प्रकाश चौटाला ने समर्थन देने के बदले अपनी शर्तें मनवाई थी, उससे भी भाजपा के नेता इनेलो से काफी खिन्न थे, और इस बार वो किसी भी कीमत पर इनेलो के साथ जाने को तैयार नहीं थे। लोकसभा चुनाव हुए तो राज्य में इन दोनों पार्टियों ने इसकी कीमत चुकाई। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा, और राज्य में एनडीए की अलोकप्रियता का सारा ठीकरा इंडियन नेशनल लोक दल पर ही फूटा। भाजपा कभी भी राज्य में बड़ी पार्टी नहीं रही थी, इसलिए हरियाणा में इसकी ज्यादा कीमत इंडियन नेशनल लोक दल को ही चुकानी पड़ी। एक तरफ इनेलो के पुराने साथी भाजपा ने चुनावों में बिना इनेलो के उतरने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ गांव में भी एक पार्टी चुपके चुपके इनेलो के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी थी, और ये पार्टी थी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी। कभी बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो के साथ मिलकर चुनाव के मैदान में उतरने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब इनेलो ने उसे भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने अकेले ही राज्य में उतरने का फैसला किया था। भले ही आज भी बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन किसी भी सीट पर जीत को हार में बदलने के लिए इतने वोट भी काफी होते हैं, और फिर
बहुजन समाज पार्टी ने जिन वोटों में सेंध लगाई है, कभी वो दलित वर्ग चौधरी देवीलाल का ही समर्थक माना जाता था। शहरों में इनेलो अपना आधार बढ़ा नहीं पाई और गांव में भी उनके वोट बैंक में सेंध लगती गई। क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाना अब इनेलो को पड़ने लगा था, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत बदल चुकी थी। कांग्रेस युवा जोश और नई सोच से सराबोर थी। कांग्रेस में कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को अपनी सारी जिंदगी दे दी थी, लेकिन उनका नाम हमेशा दूसरी पंक्ति के नेताओं में ही गिना गया। अब उनकी अगली जनरेशन राजनीति के मैदान में आई तो उसे अपने पिता की विरासत ही नहीं मिली, बल्कि उनके पिता की वफादारी का इनाम भी मिला और गांधी परिवार ने उन्हें सीधे अपने बगल में जगह दे दी। और जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी, फिर तो इन नेताओं में कई को मंत्री पद भी मिल गया, जिससे इनका हौसला और भी बढ़ गया। कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने हर सांसद को विधानसभा के लिए एक उम्मीदवार का नाम चुनने की आजादी दे दी, जबकि विधानसभा चुनावों में राज्य कांग्रेस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी राजनीति के पुराने खिलाड़ी चौधरी भजन लाल के कंधों पर डालती गई। चौधरी भजन लाल को एक बार फिर ये जिम्मेदारी देने के फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया। कुछ दिनों पहले तक उन्हें हाशिए पर समझा जा रहा था, राज्य के कई बड़े नेता उन्हें घेरने में लगे थे, लेकिन इससे ज्यादा हैरत तो सभी को तब हुई जब अगले चुनावों का परिणाम आया। कौन बना हरियाणा का सुल्तान, किसके हाथ में आई हरियाणा की बागडोर? अभी तक राजनीति के शतरंज पर सिर्फ प्यादे ही उलझे हुए थे, इस बार उन घोड़ों ने छलांग लगाई जिन्हें मैदान में समझा ही नहीं जा रहा था। हरियाणा के उस दौर की चालों की सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, अगली कड़ी में। तब तक यशपाल शर्मा को दीजिए इजाजत, अल्पविदा।